رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات محبت کے ساتھ فرض نہیں بلکہ فرض سمجھ کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين एक रोज का है माजरा सिद्दीक अकबर ने कहा मिलकर के लिए सुभान अल्लाह एक रोज का है माजरा सिद्दीक अकबर ने कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफा बलगल उला बिकमाले सुनकर कलामे मुअत्तबर फरमाते थे हजरत उमर ऐ हादीए जिन्नो बशर कशफत तुझा बे जमाले उस्मान साहब ने कहा तूल से है मुझको हया अज इब्तदा ता इंतहा हसनत जमीय खिसाले शाह विलायत उस घड़ी फरमाते थे हजरत अली फरमाते थे हजरत अली बेशक तू है ऐसा नबी सारे बोलो सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सारे बोलो सल्लु अलैहि जड़ा अरब दा चन चढ़े धरती ते वन कुफर थिया काफूरे हन हल दे किंगरे किसरा दे ऊ सोने वक्त सहूरे नई बाल बराबरी कर सकदा ए सिदरा ते मामूरे ओवे दिल दी अख जिंदा अरशद हर घर सरकार दा नूरे हजरत इसी वकार आज अल्लाह ताला के फजल व करम से एक बार फिर आपके दादू शहर के अंदर मेरी हाजिरी हो रही है आप लोग और हम खुश नसीब हैं कि काली रात हुजूर के जिक्र की बरकत की वजह से वो रोशनी वाली रात हो गई है और बहुत बड़ा ये इज्तिमा है बिलखुसूस जिनकी मोहब्बत और जिनकी दावत पर मैं गुज़श्ता साल भी जिस साल भी हाजिर हुआ हूँ फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हज़रत सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे और जितनी हजरात स्टेज पर तशरीफ फरमा है मुक्तदर कदावर शख्सिया मैं सब के नाम तो नहीं जानता लेकिन मेरा ये अकीदा है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं नबी तो जानते हैं अल्लाह ताला इन नेक हस्तियों के सदके से इस महफिल को अपनी बारगाह में यकीनन शर्त कबूल अता फरमाएगा और आप लोग 9 लाख मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपको मुबारक हो हमारे पंजाब का ये रिवाज है जब हम किसी को कोई मुबारक देते हैं तो वो कहते हैं खैर मुबारक अगर इधर वही रिवाज है तो आप कह दो जरा खैर मुबारक ये जश्न है ना हुजूर के मिलाद का माशाल्लाह ये तहरीक लबैक वाले नौजवान नबी के नारे लगाने वाले और नबी को मुख्तार कुल मानने वाले मेरे महबूब के दीवाने मस्ताने परवाने जिन्होंने जिस तरह से महफिल को सजाया है रैली में जुलूस में शिरकत की है मैं मुसाफिर हूँ दुआ करता हूँ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है मुसाफिर से दुआ कराया करो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है मेरी तो कोई हैसियत नहीं लेकिन हुजूर के फरमान के सदके से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर करोड़ नेकियां अता फरमाए जरा हाथ मत करके चलो जरा सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत अजीम स्टेज है तो आज मेरा ये जी चाहता है मैं आप दोस्तों के सामने मोहब्बत रसूल का वाज करूं मोहब्बत रसूल पेश करूं इश्क़ रसूल पेश करूं और मेरा ये उनवान होगा मोहब्बत रसूल और सहाबा हम सुन्नी हनफी बरेलवी
नबी का नाम चूमने वाले, नबी को मुख्तार कुल मानने वाले, नबी को गायबदान नबी मानने वाले, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है। हर सहाबी नबी नहीं, ऐसे नहीं, जितनी हजरात बैठे हर के हाथ भी बुलंद होने चाहिए और आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। हर सहाबी नबी माशाल्लाह, फिर बोलिए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हम नबी का नाम चूमने वाले अल्लाह के फजल से गैरतमंद सुन्नी है। हमारा अकीदा कोई डाल्टा नहीं है, बनस्पति हमारा अकीदा नहीं है, अल्लाह की कसम है हमारा अकीदा सोने से भी ज्यादा खरा है। हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं। अगर चार यारों का नाम आ जाए हमारी आंखों में सरूर आ जाता है, आपकी मोहब्बत है। मैं मोहब्बत रसूल पेश करूंगा जो है आप लोगों की, थके तो नहीं बैठे ना यार माशाल्लाह। जिस तरह जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, इसी तरह ईमान बचाने के लिए नबी का जिक्र करना जरूरी है। और जैसे मछली पानी में खुश होती है, मुतमईन भी होती है, पुरसुकून भी होती है, इसी तरह नबी का दीवाना मस्ताना परवाना नबी का जिक्र सुनकर मुतमईन भी होता है, पुरसुकून भी होता है। अगर पुरसुकून बैठी है तो बोले सुभान अल्लाह। और यकीन जाने जैसे हम इंशाल्लाह सारे जन्नत में चले जाएंगे, कौन है इंशाल्लाह, शक तो नहीं है ना, पक्का है ना, हुजूर के सदके से जाएंगे इंशाल्लाह तो कहो ना यार। जो हमारे अमल हैं धक्के धोड़े आएंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मेरे मौला ने बहिश्त बनाया हुजूर के गुलामा वास्ते, लख नेमतां दे नाल सजाया हुजूर के गुलामा वास्ते। जब हम सारे जन्नत में चले जाएंगे, यकीन कर लीजिए जन्नत के फलों के अंदर मेरे रब ने वो मिठास नहीं रखी जो नबी के जिक्र में रब ने मिठास रख दी है। सुनिए जरा गौर से, मोहब्बत रसूल और सहाबा और शादी मिलाद पेश करूंगा इंशाल्लाह। अकीदा मजबूत करके जाऊंगा आप लोगों का भी अपना भी इंशाल्लाह। हम खाली नहीं जाएंगे यहाँ से, मेरी गुफ्तगू में अल्लाह का कुरान होगा, मतनी का फरमान होगा, आखरत का सामान होगा, इंशाल्लाह राजी रब रहमान होगा। क्योंकि ये मजमे कसीर है, जमे गफीर है, क्योंकि जिक्र सिराज मुनीर है, राजी रब्बे कदीर है। माशाल्लाह आपने बड़ी मोहब्बत और सियासत की मोहब्बत। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, बंदे के पास पैसा हो, गाड़ी हो, मुर्गे हो, मकान हो, दुकान हो, हर चीज हो, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत नहीं तो समझो कुछ भी नहीं है। न मकान हो, न दुकान हो, न गाड़ी हो, न मुरब्बे हो, कुछ भी ना हो, लेकिन दिल में अगर नबी की मोहब्बत है तो समझ लो उसके पास हर चीज मौजूद है। और सहाबा की मोहब्बत क्या बात है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनाते हैं, मुंह मुबारक हुजूर का ले लेते हैं, अगर वुजू फरमाते हैं, वुजू मुबारक वाला पानी नीचे नहीं गिरने देते, अपने चेहरे पर मलते हैं, अगर नाखून मुबारक तलाश फरमाते हैं, तो सहाबा किराम ऐसे मोहब्बत दिखाते हैं मेरे पाप महबूब के जुल्फ मुबारक के मुंह मुबारक और नाखून मुबारक घर में ले जाते हैं, बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा जब मैं दुनिया से चले जाऊं मुझे गुस्ल तक कफन देकर दफना देना। ऐसे नहीं, ये हुजूर के नाखून मुबारक है, ये मुंह मुबारक है, मेरे चेहरे पर, मेरे रुखसार पर, मेरे होठों पर ये रख लेना। बाबा वजह क्या है बेटा, तुम्हें पता नहीं ये मोहब्बत वाली चीजें पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें हैं, जब तक ये मेरी कब्र में रहेगी कयामत तक खुदा की रहमत बरसेगी। आप इतनी सुभान अल्लाह की
सारी थकावट दूर हो जाए। और मैं मोहब्बत रसूल वहां से शुरू करूंगा जहां से इश्क शुरू हुआ है, जहां से मोहब्बत शुरू हुई है, जहां से प्यार शुरू हुआ है। जो नबी का पहला आशिक है, जो पहला दीवाना है, जो पहला मोमिन है, जो पहला सहाबी है, वो कौन है? यारे गार है, यारे मसार है। इसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। अबू बकर गार का भी साथी है, हौज कौसर पर भी मेरा साथी होगा। जिससे मेरे महबूब ने फरमाया, मुरु अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। जिसको नबी सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असबल्लाहु फी सदरी शैअन इल्ला सबैतहु फी सदर अबू बकर। पर मैं लोगों, जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे सीने में डाल रखा है, मैंने सारा अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाला। माशाल्लाह, आपकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहला मोमिन है वो पहला अबू बकर है, जो पहला सिहाबी है वो पहला अबू बकर है, जो पहला यार है वो पहला अबू बकर है, जिसने इस्लाम की खातिर 40,000 दिनार सबसे पहले खर्च किए हैं वो पहला अबू बकर है, जिसने नबूवत को कंधों पे उठाया है वो पहला अबू बकर है, जो गारे सौर में सबसे पहले पहुंचा है वो पहला अबू बकर है, जिसने 3 दिन और 3 रातें मोहम्मद का जलवा देखा है वो पहला अबू बकर है, जिसको सांप ने डसा है एड़ी नहीं हलाई, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मेरे महबूब पूछते हैं, मायूबी का या सिद्दीक, किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? आका लगता है किस चीज ने मुझे डस लिया है, जिसकी एड़ी पर नबी ने खुद लुआब लगाया है वो पहला अबू बकर है, जो गारे सौर से सबसे पहले बाहर आया है वो पहला अबू बकर है, जो मस्जिद कुबा में सबसे पहले पहुंचा है वो पहला अबू बकर है, जिसने मस्जिद कुबा की पहली ईंट रखी है वो पहला अबू बकर है, जिसने मस्जिद नबी की पहली ईंट रखी है वो पहला अबू बकर है, सुनिए सुनिए, इसने रियाजुल जन्नत का टुकड़ा खरीद किया है वो पहला अबू बकर है, जो नबी के मुसल्ले का पहला वारिस है वो पहला अबू बकर है, जो पहला जानशीन है वो पहला अबू बकर है, जिसकी इमामत में उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक नमाजें पढ़ते रहे वो पहला अबू बकर है, सुनिए किसने मुनकरी ने ज़कात का खात्मा किया है वो पहला अबू बकर है, जिसने मुसल्मा के साथ का खात्मा किया है वो पहला अबू बकर है, सुनिएगा जो हुजूर के रास्ते में हुजूर के बाद सबसे पहले पहुंचा है वो पहला अबू बकर है, कयामत के दिन जो हुजूर के रास्ते से हुजूर के बाद पहले उठेगा। काबे के अंदर पहला खुतबा इरशाद फरमाया है वो पहला अबू बकर है, जिसने इस्लाम की खातिर टाट का लिबास पहना है वो पहला अबू बकर है, जिसकी खातिर जिब्रील ने भी टाट का लिबास पहना है यारो, वो पहला अबू बकर है, जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, यहाँ से गुजर जाओ आपकी मर्जी, इधर से गुजर जाओ आपकी मर्जी, 8 दरवाजे से जिसे पुकारा जाएगा वो पहला अबू बकर है, कयामत के दिन जिसके सबसे पहले हिसाब होगा वो पहला अबू बकर है। आपकी तो इतनी मोहब्बत अजीब करता है, 5 घंटे वाली तकरीर आके कर दो। मैंने कहा पूरा दिन आप रैली में रहे हैं, आप जुलूस में रहे हैं, नारे लगाए होंगे, आपका गला थक गया होगा, आप तो ताजा दम होके बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आत्मते करके चौदह ना सुभान अल्लाह। हजरत जी हवाला दे रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतें जन्नत से बाहर खड़ी होंगी, जिसने हुजूर की उम्मत में सबसे पहले जन्नत में पहला कदम रखना है वो पहला। हवाले का जिम्मेवार मैं हूँ, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोल रहा हूँ। अब मेरा जी चाहता है मैं थोड़ा सा चिश्ती रंग में आपको तकरीर सुनाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अगर जब पहले शाह साहब किबला आया था ना, आप सही फरमा रहे थे,
तो मैं जब पहले आया था तो एक शख्स ने मुझे कहा तो हाँ जो नालो छाए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह कल मेरी वापसी है। लेकिन ख्याल करना दादू वाले गरीब सुनियो, अब मुझे काफी सिंधी आती है, मैं काफी तकड़ा हो गया, लेकिन सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोलिए। मेरे आका करीम रहमत कायनात मुहसिन कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे पाक के अंदर पहला खुतबा इरशाद फरमाया जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा आपकी। खुतबे का उनवान ये था अल्लाह ताला की तौहीद। मेरे पाक नबी अल्लाह ताला की तौहीद बयान कर रहे हैं। फरमा लोगों मेरा रब एक है, वो यकता है, वो अकेला है, अल्लाह है तो कल्ला है। मेरे महबूब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का उनवान मौजू ये था कुल हु अल्लाह अहद। इससे थोड़ा सा इको डिले बढ़ा दे, कुल हु अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू। मेरे महबूब यूं इरशाद फरमा रहे हैं लोगों, वो अल्लाह एक है, वो अहद है, लम यलिद है व लम यूलद है, न उसका कोई साथ में शरीक है, न सिफात में कोई शरीक है। लेकिन जब कुफर को पता चलता है अल्लाह गवाह मेरे महबूब पर हमला कर देते हैं। मेरे नबी के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है, दौड़े दौड़े आते हैं, काफिर को धक्का दे के साइड पे करते हैं, नबी करीम की हिफाजत के लिए मामूर हो जाते हैं। कुफर आकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे आकर हमला कर देते हैं, आपकी नाक मुबारक की हड्डी मुबारक टूट जाती, पूरा जिस्म जख्मों से चोरों चोर हो जाता है, पांव से खून निकल रहा है, सर से खून निकल रहा है, पूरा जिस्म जख्मों से चोरों चोर हो चुका है। आपके कबीले वाले आए, आपको उठाकर घर में ले जाते हैं। पूरा दिन मक्के के अंदर खबर चलती रहती है हजरत अबू बकर सिद्दीक का विशाल हो चुका है, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन जब शाम का वक्त आता है अबू बकर सिद्दीक की अम्मा जान आती है, कहने लगती है बेटा बता तेरी तबीयत का क्या हाल है। रो कर कहती अम्मा मेरी तबीयत के बारे में ना पूछ, मेरे मुझे ये बता मेरे महबूब की तबीयत का क्या हाल है। अम्मा मुझे ये बताओ मेरे महबूब की तबीयत का क्या हाल है। माँ कहती है बेटा इतना भी किसी से इश्क होता है, इतना भी किसी से प्यार होता है, देख तो सही तेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, फिर भी नबी नबी के नारे लगा रहे हो। मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कतमरों में हो जाए पनहा की सफर, खुदा शाहिद है मेरा काम ईमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे नारे तहकी, नारे मोहब्बत रसूल। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई। माँ दिए बेटा इतना भी कहीं नाल प्यार हो दे, इतना भी कहीं नाल मोहब्बत हो दिए, अब इन अम्मा ए तक कोई मोहब्बत दा तकाजा कहनी, मेरा मंशूर है अम्मा दो अखा है ते दो नूर, एक खुदा है एक रसूल, पुकार खुदा की रहेगी यारी मुस्तफा की रहेगी। माँ कहती है बेटा इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत किसी से भी होती है। अच्छा भी जागदे बैठे थे हाथ ऊंचा करके आते हैं। अल्लाह ताला दी बारगाह विच अर्ज की मेरा अल्लाह
मैं तेरे महबूब की मोहब्बत तकलीफां बर्दाश्त कीतियां और अम्मा दी मेरा बेटा मैं शरबत बनाईया मैं खाना पकाईया कुछ तो खा के कुछ तो पी गया अम्मा नबी दी दीद होवे सी अबू बकर सिद्दीक दी दीद होवे सी हुण मैं नतीजा लेवण वाला जरा तवज्जो फरमाए अल्लाह मैं तेरे महबूब दे इश्क च तकलीफां बर्दाश्त कीतियां क्या कोई इनाम मिले से ओ मेरे रब्बी दतिया हो सी ऐ अबू बकर आज मोहब्बत रसूल तकलीफां बर्दाश्त करना तेरा कम है कल नबूवत को तेरे कंधियां ते बिठा देवणा मैं रब्बुल आलमीन दा कम है दिखाना गारे शौर में मेरा काम है आज मोहब्बत रसूल में तकलीफ बर्दाश्त करना तेरा काम है कल नबी के मुसल्ले का पहला जानशीन बना देना मेरा काम है मोहब्बत रसूल में तकलीफ बर्दाश्त करना तेरा काम है कयामत तक रसूलुल्लाह के रोजे में साथ साथ सुला देना मेरा मदनी तू तन मनवार दे बड़े सोने ने साहबा सरकार दे बड़े सोने ने साहबा सरकार दे बड़े सोने ने साहबा सरकार दे बड़े सोने ने जावा सदके उमर की गुफ्तार दे बड़े सोने ने साहबा सरकार 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 आज रुजू इस तरफ है आज अंसारी सहाबा में से कोई तो मेरी मोहब्बत में बोले पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा अर्ज किया या रसूल अल्लाह माल मांगो हाजिर है जान मांगो सुभान अल्लाह उमर पाक से पूछा जान मांगो हाजिर है माल मांगो लेकिन हुजूर का इरादा यह था आज अंसारियों में से कोई बोले तवज्जो चाहूंगा हजरत मिर्दाद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए आपकी मोहब्बत में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मेरे नबी ने फरमाया अर्ज करो क्या कहना चाहते हो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो तो नहीं जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आप जाने आपका रब जाने हम वो नहीं है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इशारा को फरमाए हम समंदर में दरिया में घोड़े दौड़ा देंगे ये नहीं आपके आगे से भी लड़ेंगे आपके पीछे भी लड़ेंगे दाएं से लड़ेंगे
इसका तर्जमा हजरत कश्मीर रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा एक ही जानन, दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सौगे विच मदीने मियां साहब फरमाते हैं कदर पनीदा मछली जाने के या जाने मुर्गा भी कदर नबी दा मेरा अल्लाह जाने के या जाने बड़ी सच्ची गल लगी सुभान अल्लाह उच्चा मिया साहब फरमाया चंगे बंदे दी इवें यारी ते जिवें दुकान अतारा सादा भावे लईए ना लईए सिंधी मिठी है
सुभान अल्लाह जन्नत दी असास माटी थी जन्नत में चाहे अल्लाह जाने जन्नत भी असास माटी थी जन्नत में चाहे अल्लाह जाने मगर मदीनो 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 मगर मगर मदीनो असा सिखो आ जन्नत जो मन सर मदीने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदर सरकार की आमद सरकार की आमद वकील की आमद मदनी की आमद शहीद की आमद बेशर्मी सलात और नबी जन्नत दिया साथ जन्नत में चाहे अल्लाह जाने मगर मदीनो मगर मदीनो मगर मदीनो मगर मदीनो असा देखो हा जन्नत जो मन सर मदीने में मदीन तू रसूले पहुंचो भाई जो मोहम्मद रसूल पढ़ रहे हैं मदीना तो रसूल एक ज़ैदन उमर खातून ने जिंदे घर दे चार अफराद बाप बेटा भाई शौहर फिर सुनिए बाप बेटा भाई शौहर ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद हो गए मदीने पाक के शैतान ने झूठी खबर फैलाई है नऊज़ बिल्ला मुसलमानों दे पाक नबी भी शहीद हो गए जड़े वेले झूठी खबर शैतान ने फैलाई है ई बीबी को पता चले अखी दे उते उपड़े बीबा के दीवाना दी तरह दौड़ी दौड़ी आंदी है मसानिया दी तरह दौड़ी दौड़ी आंदी है सामने काफला नजर आए उन्हें के बीबी कितने दिले नहीं है तेरा ते भाई शहीद हो गए रो के आदी है मैं तू मेरे भाई के बारे में दसो देखो ए दसो बीबी शीमा दे भाई दा क्या हाल है हाथ मत करके बोलो सुभान अल्लाह उन्हें के बीबी बेटा शहीद हो गए अब ये मैं को मेरे बेटे का ना दसो मैं को ए दसो सैयदा आमिना पाक दे बेटे दा क्या हाल है ओ बीबी तेरा ते शौहर शहीद हो गए अब ये मैं को मेरे शौहर का ना दसो मैं को ए दसो सैयदा आयशा पाक दे शौहर का क्या हाल है मैं कुए दसाओ सैयदाए कैनात दे बाबा हजूर दा क्या हाल है जुमला सुनाए गयूर सुनियो जड़े वेले बीबी करीब लेनी है गज़वा होते मैदान होते अखी तो पत्ती लहे दिए सामने वतुहा दा मुखड़ा नजर आंदे वल्लाए लवैया सूफा नजर आंदे अलम नशरह दा सीना नजर आंदे ਸਰ ਦੇ ਕਛਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਬੀਏ ਕੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤਨ ਬਾਦਾ ਕਾ ਜਲਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤਨ ਬਾਦਾ ਕਾ ਜਲਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤਨ ਬਾਦਾ ਕਾ ਜਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਥੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਓ ਸੁਈਓ ਮੈਂ ਕੋਏ ਦਸਾ ਓ ਕੈਸਾ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਹੋਗਾ ਜਿਸਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਬੀਬੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ
रिश्ते खत्म हो गए, वो कैसा हसीन चेहरा होगा वो दोहा, जिसकी कसम खुदा कुरान में खुद खा रहा है सारिया मुसीबतें खत्म हो गया, कैसिया जुल्फा जुल्फा मदनी दिया वाह वाह लब खोले ते नाजिल होवे कुरान नज़ुल्फा दी वखरी शान वाह वाह जुल्फा मदनी दिया हाथ की लहरा जामे को पता लगे माशाल्लाह नबी दे दीवाने शोहर दी परवाह ना बाप दी परवाह फकत आमिना दे लाल दी परवाह असल जरे मुल्तान ये सरे की है ना साड़ी सुभान अल्लाह बड़ी जुबान बड़ी मिठी जुबान है लाल शबाज कलंदर दी जुबान जो हो गई ये साड़ी मुल्तानी जुबान मैं जुमला पियाड़े ना दिल फरशी सरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज ना आप यार भाई का ना बेटे का
न शौहर का ख्याल आया, बाप शहीद हो गए, बेटा शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, कहीं गम ही नहीं, फिक्र ही नहीं, हुजूर की परवाह, कुछ बोलो यार, हुजूर की परवाह, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतना इश्क, मां नूं अपने पुत्र नाल बड़ी मोहब्बत होती है, बाप नाल बड़ा प्यार होता है, गैरतमंद बेटे नूं बाप नाल बड़ी मोहब्बत होती है, गैरतमंद बेटे नूं मां नाल बड़ी मोहब्बत होती है। यार तुहाडी मोहब्बत बीबी दी मोहब्बत कितना होसी, सारे रिश्ते कुर्बान कर छोड़े, कोट मिठन दा पीर फरीद फरवें दा बेटे इयो कुछ बेटिया दी, खोल खता मैं यार दे ना तू, खोल खता मैं यार दे ना तू, बाल बचे अस कस्म मियां जी, न भाई का न बेटे का न शौहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे है यही लब पर सवाल यार, वो कैसा हसीन मैं इश्क भी अगल्ला बेटा करने इश्क भी आवाता पूछिए आपको सुभान अल्लाह, गुरबान दीन बड़े चमकते चेहरे, चमकते चेहरे पीर फरीद जिड़े वेले हिजर फिरा के चाहे खाजा गुलाम फरीद सरकार हिजर फिरा के चाहे कोट मिछण के ने मदीने वल मुंह करके आ दे बेटियां तत्ति थी जो गिड़े وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها फिर सुनिए कुरान दे इस्तकबाल ऊंची आवाज से करिए चंद्र पा टुकड़ा थिए
वरायो सच के भी वापस वरायो आ मोहम्मद मुस्तफा अख कने काना साड़ी जी मोटर पुलिस है ना मोटरवे या सी पैक होने बन के क्या बात है मोटरवे पुलिस का कानून है एक बत्ती वाला ट्रक नहीं चलना नहीं समझे तो सही हजूर लमा अली हसन साहब बड़ी मोहब्बत है थोड़ी साड़ी मोटरवे पुलिस का कानून है एक बत्ती वाला एक लाइट वाला एक बत्ती वाला ट्रक नहीं चलने दे मैं कहूं मिर्ज़ाई हो पागल हो कादियानी हो पलीतो और बेजमीर हो एक बत्ती वाला साढ़े पाकिस्तान में ट्रक नहीं चल सकता एक अख वाला काना कितना चल सकता जो गैरतमंद सुभान अल्लाह कोर्ट में पढ़ता था ये पांचवी क्लास में फेल था पांचवी क्लास में प्राइमरी पंज अंग्रेज लिया लिया कोई कहनी जो काना दब है मिर्जा कादियानी तो हे कैसा हो अच्छा समझदार पागल इतना है दाया पाऊं बाएं बूट दे अंदर बाया दाएं बूट दे अंदर उतला बटन तले ते तलवा बटन जहन्नम दा शौकीन है क्योंकि मौत इसकी लेटरी है सुभान अल्लाह तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोगों की पाकिस्तान में जो मिर्ज़ाई है जो कादियानी है ये इस्लाम के दुश्मन है ये पाकिस्तान के दुश्मन है जो खत्म नबूवत का दुश्मन है वो पाकिस्तान में कभी वफादार नहीं हो सकता वो इस्लाम का दुश्मन है परवाने जितनी बैठे स्टेज पर मेरे मेरे सर का ताज उलमाए किराम क्या ये चलने देंगे क्या हमारे अंदर खून नहीं है क्या नबी का कलमा नहीं पढ़ा हमने हम अपनी जान के नजराने पे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने आपकी अमानत है जब चाहेंगे हम अमानत वापस लौटा देंगे हम देर नहीं करेंगे आपकी इज्जत पर आपकी नमूस पर आपकी शान पर आपकी आन पर हमारी जान भी कुर्बान है बच्चे भी कुर्बान है सारी भाई 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 भाई
رسول اللہ لبیک ہمیں ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے اٹھا جو کوئی جب میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے اچھی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ. یہ جملہ دینا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں, میں اہل سنت کا ادنا سا ایک نوکر ہوں, خادم ہوں. جملہ دینا چاہتا ہوں, جب بچہ, ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, پہلے ہی دن اس کے ماتھے پہ, پیشانی پہ لفظ موت لکھ دیا جاتا ہے. لفظ لیکن جب میرے محبوب تشریف لائے چہرے پر, ماتھے پر, مبارک پر لفظ موت لکھا ہوا نہیں تھا. سٹیج والوں سے داغ لینا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, لفظ موت لکھا ہوا اونچی آواز سے نہیں تھا, نہیں تھا, نہیں تھا, اللہ کی قسم نہیں تھا. 13 دن حضور تکلیف میں رہے, ہر روز جبریل آتا رہا, حضور کی زیارت کرتا رہا, رب کا پیغام دیتا رہا. آج وہ دن آ گیا, اسرائیل بھی اجازت لے کر, اسرائیل بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے. حضور اجازت ہے تو آ جاؤ. سیدہ فرماتی ہیں, چلے جاؤ میرے بابا حضور آرام فرمائے. کون ہے؟ آنا ظاہر ہوں, زیارتی ہوں, واپس چلے جاؤ. چلا گیا, پھر آ گیا. کون؟ آنا ظاہر ہوں, زیارتی ہوں. چلے جاؤ, پھر آئے. بن اجازت جن کے گھر یہ ذریعے بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. اجازت لے کر حضور داخل ہوتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب داخل ہوتا ہے, ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتا ہے, سونے آ جتنا دن تسا راونا چاہتے ہو تہاڈی مرضی ہے, جی اللہ دی بارگاہ میں چلنا چاہتے ہو تہاڈی مرضی ہے. میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل کہ میرا وقت مقرر نہیں ہے. تو اسرائیل عرض کرتا ہے, محبوب سونے آ ساری کائنات میری پابند ہے, سونے آ میں آپ کا پابند ہوں. اونچی آواز سے میں نے کہا, کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اسرائیل علیہ السلام آتا ہے, اور کیسے آتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, رب کا پیغام لے کر آتے ہیں. حضور اللہ کا مقاصد ہے. تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا خلیل ہوں, الخلیل جو میت الخلیل. یار ہی آدھے موت ہی بھیجے دے, یا یار نہ سلے یا موت نہ دے, کہیں کہ میں پوچھ دے کہ اللہ کی قسم ہے, کہیں کہ آنے تے تھپڑ کھا کے میں دے موسیٰ علیہ السلام آپ چاٹ مرے سکانے بھی موت لیٹرین چاہیے.
बोलो तो सही यार कौन था उची बोलो तो सुभान अल्लाह। फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शह किए गए हैं। मैं आपसे सुनियो गैरतमंद बैठे हो आप मुझे यकीन है मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ फ्रांस की कोई भी चीज हम नहीं खरीदेंगे हर चीज का बाइकॉट करेंगे हाथ बुलंद करके बाइकॉट करेंगे इंशाल्लाह हम कायनात वालों को बता देंगे हम नबी के गुलाम हैं हमारी जानें भी हाजिर हैं हमारा माल भी हाजिर है हम भूख बर्दाश्त करेंगे लेकिन फ्रांस की कोई भी चीज हम नहीं पठान बैठा था कहता वो चिश्ती साहब वो अच्छा कर दिया आज तो दिल करता था तुम तकरीर करता रहे हम पानी पी जाए अब ताजा दम बैठे हैं यार मैं एक जुमला मिलाद का सुनाना चाहता हूँ सिर्फ एक जुमला सुभान अल्लाह ऊंची आवाज हजरत किबला मेरे महबूब दी विलादत दा टाइम करीब है ऊंची आवाज नाल वेला हा वड्डा वेला ते कुजा दे नूर हजूर दा वेला मैं के कु वड्डा वेला क्यों आ दियो महबूब चिश्ती ही वास्ते आ दिया सारी कना द वड्डा नबी ही वेले वे चाहिए कु वड्डा वेला कुछ जा दिल नूर हजूर द वेला मैं के मौलवी जिड़े वेले नबी है ओ वेला भी नूर है नबी कितना नूर अला नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ देना ने दरवाजा खोलिया अंदर तशरीफ देना खुशबू ही खुशबू खुशबुआ ही खुशबुआ रंग लगे खड़े बोलो तो सही यार कहने लगे बेटी आमिना ये बताओ ये खुशबू कहाँ से लाई हो कहने लगी है अब्बा जान मैंने कोई खुशबू कहीं से नहीं मंगवाई तुम्हें मुबारक हो अल्लाह ने हमें लाल अता किया है जिसके आने की वजह से पूरा मक्का खुशी से खुशबू नूर इतना है महबूब नहीं कायनात वस्ती भी हजूर दे सकती चलती भी हजूर दे सकती हम खा रहे हैं मुस्तफा करीम का सब हम पी रहे हैं मुस्तफा करीम का सब अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे आपने बड़ी मोहब्बत से ये इज्तिमा मोहब्बत दिखाई है अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाल्लाह कोट मिठन पीर फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद की नगरी से एक सरह की नात खान पढ़ने वाला अजीम मेहमान है आपका तो मैंने कहा इनको मेरी तकरीर के बाद इंशाल्लाह वक्त दिया जाएगा खूबसूरत नात शरीफ आखिर में पेश करेंगे कारी अब्दुल शकूर फरीदी कोट मिठन पीर फरीद नगरी से आए हैं सिंध वाले लोग वैसे भी आप बड़े मेहमान नवाज हैं इनकी खिदमत भी फरमा देना मेहमान है आपका अल्लाह मेरी आपकी हाजिर बराए मेहरबानी असाज हने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कंदा तजे तहां के हर वीडियो नोटिफिकेशन मिली सके नोटिफिकेशन बेल बटन के जरूर दबाइंदा।